आज देश भर में रामनवमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस दिन भगवान राम की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को त्रेता युग में भगवान राम ने दोपहर 12 बजे माँ कौशल्या की कोख से जन्म लिया था। इसलिए इस दिन को राम जन्मोत्सव के रूप में हर साल बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार की रामनवमी राम भक्तों के लिए बेहद ही खास है, क्योंकि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने के बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली रामनवमी है। आपको बता दें, आज अयोध्या में राम मंदिर में हजारों श्रद्धालु अद्भुत नज़ारे का साक्षी बनेंगे, क्योंकि इस खास दिन पर राम मंदिर में रामलला का दोपहर 12:16 से अगले 5 मिनट तक सूर्य की किरणों से भगवान राम का तिलक किया जाएगा। इसके लिए पूरी अयोध्या राम में नजर आ रही है। रामनवमी के दिन उत्सव मनाने के लिए रामनगरी सज धज कर तैयार है। आज के दिन केवल रामलला ही नहीं बल्कि राम मंदिर का भी विशेष रूप से श्रृंगार किया गया है, जिसे देखने के लिए भक्त बेहद ही उत्साहित हैं। बता दें, अयोध्या में भगवान श्री रामलला की सूर्य तिलक के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंदिर के मुख्य पुजारी ने बताया कि मंदिर और भगवान राम की मूर्ति को इस अवसर के लिए विशेष रूप से सजाया गया है। भगवान को पीले रंग की पोशाक पहनाई गई है, जो खास तौर पर डिजाइनर मनीष त्रिपाठी ने की है। रामलला को रत्नों से जड़ित विशेष आभूषणों से श्रृंगार किया गया है। इस बीच राम मंदिर को रंग बिरंगी LED लाइटों से जगमगाया गया है। रामलला को पहनाए जाने वाले सभी आभूषणों में मुकुट अपनी अलग ही आभा बिखेर रहा है। कुंडल, बाजूबंद, कमरबंद, गले का हार व अंगूठी व पैजनिया पहनकर रामलला नए रूप में नजर आ रहे हैं। वहीं अनुष्ठान के हिस्से के रूप में मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराया गया है, जिसके बाद भगवान को पंजीरी और 56 प्रकार के प्रसाद सहित कई व्यंजनों का भोग लगाया गया है। आज दोपहर के समय सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक पर पड़ेंगी। सूर्य की किरणों को पहले अलग अलग 3 दर्पणों के जरिए अलग अलग एंगल में डाइवर्ट किया जाएगा। इसके बाद पीतल के पाइप के जरिए किरण को आगे बढ़ाते हुए लेंस के माध्यम से सीधा रामलला के मस्तिष्क पर आज दोपहर के समय सूर्य की किरणें रामलला के मस्तिष्क पर पड़ेंगी। सूर्य तिलक के लिए सूर्य की किरणों को पहले अलग अलग 3 दर्पणों के जरिए अलग अलग एंगल में डाइवर्ट किया जाएगा। इसके बाद पीतल पाइप के जरिए किरणों को आगे बढ़ाते हुए लेंस के माध्यम से सीधा रामलला के मस्तिष्क पर पड़ेंगी।